अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ लाल और पीली दाल, ये मिक्स बनती है। आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं। ये 1 कप लाल दाल है, जिसे मैंने वॉश करके थोड़े से पानी में इसको मैंने रखा हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 1/2 कप मूंग की दाल है, इसे भी मैंने वॉश करके यहाँ पर रखा हुआ है। मसालों के लिए आपको चाहिए होगा 1 दरमियाने साइज़ या बड़े साइज़ का प्याज यानी अनियन, 1 टमाटो, 1 टमाटर, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, नमक, हल्दी और लाल मिर्च। और इसको एंड में जब दाल पक जाती है तो हमने इसको जो तड़का लगाना है उसके लिए हमें 1 टीस्पून जीरे की चाहिए, 2 से 3 हरी मिर्च, 2 से 3 ये लाल ड्राइड मिर्चें होती हैं, और 2 से 4 लहसुन यानी कि गार्लिक के हमें वॉश करके आप उसको छील लें और इसको थोड़ा सा यूं बारीक काट लें। पानी के ग्लास हमें 4 से 5 बड़े चाहिए होंगे। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं तड़के के लिए या घी भी, लेकिन मैं आज ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने चूल्हे के ऊपर हांडी रख ली है जनाब। इसमें अब आपने पहले अपनी दालें ऐड कर लेनी है। ये हमने अपनी लाल दाल डाली है बीच में पहले, इसी के साथ आप अपनी पीली दाल डालेंगे। नमक, मिर्चें, हल्दी, टमाटर और प्याज हम इकट्ठे डाल लेंगे बीच में। ये बहुत सिंपल डिश है, बहुत जल्दी पक जाती है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो ये तो फिर लिटरली आप 2 मिनट में आपकी दाल तैयार हो जाती है। बहरहाल मैं आज आपको एक सादी हांडी में दिखा रही हूँ। और ये हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है। पानी आपने इतना डालना है कि दाल उसमें आपको नजर आए कि वो बिल्कुल खुली खुली और अलग अलग है। इसे मिक्स कर लेते हैं। आप बीच में भी दाल पकते हुए भी पानी डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि पानी कम है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 4 से 5 बड़े ग्लास पानी के डाले हैं। तो इसको हम पकने देते हैं फुल फ्लेम पे। ये अभी पकेगा, जब इसके अंदर में बबल स्टार्ट हो जाएंगे यानी कि उबाले आने शुरू हो जाएंगे, तब हम इसे मीडियम टू लो के दरमियान में अनदर 5 मिनट्स के पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट्स के अंदर अंदर ही जो है इसमें पानी में बबलिंग सी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उबाला आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना नमक और मिर्चें, अगर आपकी कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। हमेशा वीडियो में आपको मैं कहती हूँ हसबे जायका होता है नमक और मिर्च, लेकिन मैं जितना पका रही होती हूँ उसके हिसाब से मैं डाल रही होती हूँ। एनीवे, यहाँ पर क्योंकि ये अब उबलना शुरू हो गया तो हम इसकी जो आग है लो टू मीडियम के दरमियान में रखेंगे, नॉट टू लो नॉट टू हाई। और इसको हमने ढक कर हल्का सा आपने इसको हटा कर रखना है, वरना इसका पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन 20 मिनट के बाद पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, बल्कि हमने बिल्कुल भी खुश्क नहीं करना है इसको। तो हल्का सा आप देख सकते हैं कि इसमें लिक्विड सा अभी भी है। तो यहाँ आपकी दाल तैयार हो चुकी है। अब हम इसके तड़के के लिए ऑयल या घी जो भी आपने इस्तेमाल करना है वो कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तेल फ्राइंग पैन में डाल लिया हुआ है। तेल या घी, जिसमें मैं आपसे बार बार कह रही हूँ आपकी मर्जी है। ये 1/2 कप ऑफ ऑयल है, मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले हमने इसमें जो है अपना लहसुन डालना है, ये हम तड़का इसका बना रहे हैं। साथ ही हम इसमें जो ज़ीरा है उसे ऐड कर लेंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद हमने सिर्फ 2 सेकंड के लिए वेट करना है कि जब तक ये जो गार्लिक है ये थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए। आप देख सकते हैं कि साथ ही क्योंकि तेल काफ़ी गर्म होता है, हॉट ऑयल में हम इसको डालते हैं तो ये गोल्डन होना शुरू हो जाता है स्ट्रेट अवे। और यहाँ पर ग्रीन चिलीज ऐड कर लें, आपकी रेड चिली। इसको सिर्फ 2 सेकंड और दें। ये करने के बाद आप इसको अपनी दाल में ऐड कर लें।
प्लीज़ आहिस्ता आहिस्ता ऐड कीजिएगा क्योंकि घी है और उसमें छींटे पड़ते हैं। ये तड़का लगा लेने के बाद आपने इसको फुल फ्लेम पर सिर्फ 1 से 2 मिनट देने हैं। सो इट्स अ फुल फ्लेम जस्ट फॉर 2 मोर मिनट्स। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि आपने इसको कितना थिक रखना है। दोबारा यहाँ पे अपना नमक चेक कर लें आप, लेकिन क्योंकि हमने तड़के में हरी मिर्ची और लाल मिर्ची डाली हुई है ऑलरेडी, तो उससे भी इसका जायका ठीक हो जाता है। आपको थिक कितना रखना है और पतला, ये आपकी अपनी मर्जी पर है। और एंड में आप जो गरम मसाला होता है 1 टेबलस्पून इस पर वो डाल लें, इसे मिक्स कर लें। और इसे 1 मिनट और दे दें ताकि जो गरम मसाला अच्छी तरह दाल के अंदर में मिक्स हो जाए। गरम मसाला डालने के 1 मिनट बाद आपकी दाल तैयार हो जाती है। ऊपर आप थोड़ा सा बटर डाल लें, ये ज़रा बच्चों को ज़रा अच्छा इंजॉय करते हैं। और दाल पकने के बाद जब आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो आधे घंटे के बाद ही थोड़ी और भी गाढ़ी यानी थिक हो जाती है। तो पानी का प्लीज़ ज़रा आप ख्याल रखिएगा और बनाइए, देखिए आपको कैसे लगता है और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।